हाय एवरीवन दिस इज़ विरोनिका आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का जीएम क्रॉप्स पे है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देखिए जो भी क्रॉप्स रहते हैं जिनको हम जेनेटिक लेवल पे डीएनए लेवल पे उनको अल्टर करते हैं फिर उनसे ग्रो हुए हुए सीड्स से आगे प्लांट्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या शॉर्ट में जी क्रॉप्स बोलते हैं इनके बहुत सारे बेनिफि हैं डेफिनेटली कोई भी चीज़ हो उसके प्रोज और कॉन्स दोनों ही रहते हैं लेकिन इससे रिलेटेड भी इंडिया में बहुत जुड़ी रही हैं जैसे कि बीटी टी ब्रिंजुल को लेकर जीएम मस्टर्ड को लेकर तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये टॉपिक आपका इन्वायरमेंटिकोलॉजी साइंस एंड टेक दोनों में ही साइंस एंड टेक में जो बायो का अगर आप पार्ट देख लें उसमें कवर होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा राइट right, वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टॉपिक शुरू करते हैं डिस्कशन अब देखिए एक सवाल यू ने पहले भी पूछा था कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग क्या ये भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होगा तो जी नहीं अब देखिए प्लांट ब्रीडिंग जो कन्वेंशनल एक ट्रेडिशनल तरीके से हमारे फार्मर्स पहले करते थे उसमें क्या करते थे कि क्रॉस करते थे स्पीशीज़ uh, होती थी सेम जीनस की उसमें आपका जो जीनस था वो सेम रहता था ताकि हम ऑफस्प्रिंग को जैसे दो प्लांट्स को क्रॉस uh, दो प्लांट्स हैं उनको आपने क्रॉस ब्रीड किया ओके okay? दो प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड किया सेम जीनस के ओके क्रॉसिंग स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस और जो इनसे ऑफस्प्रिंग होगा उसमें डिज़ायर्ड ट्रेट्स दोनों पेरेंट्स की आती थी ये आपका कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड था ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इस क्रॉप को हम नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ जेनेटिक लेवल पे अल्टरेशन हमने खुद से नहीं की है हमने सिर्फ क्रॉसिंग की है ओके okay? अब जेनेटिकली इंजीनियरिंग में देखिए क्या होता है कि जीनस का जो बैरियर है यहाँ पे हमने कहा सेम जीनस कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग आपकी सेम जीनस में हो रही है लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये जीनस के जो बैरियर है उसको खत्म कर देते हैं और एक एलियन जीन जो है वो सीड्स में प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं जो भी हमको डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स चाहिए हो उससे रिलेटेड अब ये जो एलियन जीन है जो हम प्लांट्स में या क्रॉप्स की यहाँ पे हम बात करें क्रॉप्स क्रॉप्स में ट्रांसफ़र करते हैं ये जीन प्लांट से भी हो सकता है एनिमल से भी हो सकता है या किसी बैक्टीरिया का भी हो सकता है इसलिए इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं तो ये प्लीज याद रखिएगा क्योंकि यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्योंकि मेन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से कैसे अलग है आई होप दिस इज क्लियर अब एक टर्म आती है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म अब देखिए जे यहाँ पे क्रॉप्स की बात हो रही है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर रही हूँ देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें क्या होता है जो जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा डीएनए एन राइबोन्यूक्लिक एसिड उसको हम चेंज करते हैं या फिर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरी स्पीशीज़ में जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जेनेटिक मॉडिफ़िकेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या शायद हम म्यूटेशन कर रहे हो कुछ चेंज कर रहे हो इंसर्शन कोई जीन इंसर्ट कर सकते हैं सपोज़ ये आपका डीएनए है एक ओके okay? तो हो सकता है इस डीएनए में ये वाला पोर्शन हम डिलीट कर दें या कोई पोर्शन ऐड कर दें ओके okay, तो ये म्यूटेशन ही है जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो इस तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं इंसर्टेड जीन्स यूजली कम फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रांस है तो दैट मीन्स जो इंसर्टेड जीन्स है वो यूजली दूसरे ऑर्गेनिजम से आता है जैसे कि बी कॉटन की एग्जाम्पल आपने देखी उसमें हमने बी टी जीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं बैक्टीरिया से लेकर उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्सेलस थुरसिस इसको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट ओके जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है जब भी इसको करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि हमें कोई नई ट्रेट डिज़ायरेबल ट्रेट की ज़रूरत होती है एक प्लांट है शायद उसमें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसा है नहीं है जैसे टोमेटोज हैं अगर आपके ठीक है उनका शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होता है हम चाहते हैं कि वो जल्दी सड़े ना उनकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज हो जाए इम्प्रूव हो जाए बढ़ जाए तो हम उसको क्या करेंगे हमको उसमें एक नई ट्रेट चाहिए इसका मतलब तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे रिसर्च करके कि कहाँ से इस तरह का जीन उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए कि उसकी शेल्फ लाइफ इंप्रूव हो जाए राइट तो इसलिए ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए उनमें कुछ नई ट्रेड्स देखने के लिए की जाती है ये टोमेटो की एग्जांपल जो है ये जैसा आपको समझाने के लिए मैंने बताई है ठीक है तो ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात थी अब हम आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है जीएम क्रॉप्स के ऊपर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है दीज आर द प्लांट्स ये प्लांट्स हैं जिनको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है इनके डीएनए को इन प्लांट्स के डीएनए को मॉडिफाई किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के साथ मोर देन टेन परसेंट ऑफ वर्ल्ड क्रॉप प्लान आर प्लांटेड विथ जी एम क्रॉप्स तो अभी प्रेजेंटली जितने भी वर्ल्ड के पूरी दुनिया के क्रॉप प्लान्स हैं उनमें से दस परसेंट जो है जहाँ पर जी एम क्रॉप्स जो हैं वो लगाए गए हैं और बहुत सारे केसेज में मेन यही एम है जैसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या टोमेटो का मैंने नॉर्मल आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई नई डिज़ायर्ड ट्रेड हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि नेचुरली उस क्रॉप या उस प्लांट में नहीं होती अब ये किस तरह की ट्रेड्स हैं जो हम चाहेंगे कि हम अपने क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस करें क्योंकि हमको पता है जब हम क्रॉप फील्ड में लगाते हैं फार्मर्स तो नुकसान किससे होता है पेस्ट से बहुत सारे पेस्ट आते हैं हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं खा जाते हैं और फार्मर्स को नुकसान होता है उनकी इनकम कम हो जाती है बहुत सारी बीमारियाँ उनको लग जाती हैं फिर हो सकता है कुछ इस तरह के प्लांट्स हो जो ठंडे इलाके में नहीं लगते हों लेकिन हमको वहाँ पर उनको उगाना है राइट तो ये सब ट्रेड्स हम चाहते हैं कि उनमें रेजिस्टेंस हो कि पेस्टिसाइड्स सॉरी पेस्ट्स जो है उनके खिलाफ वो रेजिस्ट करें पेस्ट उनको ना खा पाए उनको बीमारियां ना लगे अगर कहीं पे बहुत ठंड है वहाँ पे हमें कुछ ग्रो करना है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो और वो क्रॉप ग्रो करें इस तरह की ट्रेड्स के लिए हम क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं और एक और रीज़न भी है हम क्यों मॉडिफ़िकेशन करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए आगे मैं आपको गोल्डन राइस की एग्जाम्पल दूँगी उसमें वाइटामिन ए हम डालते हैं का जीन डालते हैं कि उन एरियाज़ में जहाँ पे विटामिन ए नहीं लोगों को मिल पाती न्यूट्रिशनल की न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है तो क्रॉप्स की जो लोग खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन हम इम्प्रूव कर सकें राइट और भी बहुत सारे पर्पस के लिए जेनेटिक मॉडिफ़िकेशन की जा, जाती है दवाइयाँ बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल एजेंट्स के लिए बायोफ्यूल्स के लिए तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत जगह की जाती है और हम क्रॉप्स में भी करते हैं अब आगे देखिए ये जो जी एम क्रॉप्स हैं इनको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है ये इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन बुलेट बुलेट पॉइंट्स में लिखा गया है अब नई ट्रेड किस में हेल्प करेगी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ रेजिस्टेंस होगा केमिकल ट्रीटमेंट्स के खिलाफ हर भी साइड्स अगर डालते हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस रहेगा न्यूट्रियट प्रोफाइल इम्प्रूव होगी फिर कुछ क्रॉप्स में हम चाहेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है एटमोस्फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन हम इम्प्रूव कर सकें सीरियल क्रॉप्स के द्वारा सॉल्ट uh, सॉइल्स में जैसे मैंने आपको कोल्ड और हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस की एग्जांपल दी उसी तरह से सॉइल कंडीशन में भी डिपेंड uh, करता है कि कौन सा क्रॉप ग्रो करेगा कौन सा नहीं करेगा तो हम चाहेंगे जहाँ पे सॉइल में ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हम उनको ग्रो कर, करवा पाएँ उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ा पाएँ ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं मिल रहा है शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करें जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कमर्शियल वैल्यू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से इसकी इंक्रीज होगी तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जी एम क्रॉप्स के रहते हैं अब देखिए एक आगे भी फिर से पढ़ेंगे बी टी कॉटन को बी टी कॉटन इकलौता ये याद रखिए फिलहाल ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि इंडिया में अलाउड है बाकी कोई भी अलाउड नहीं है इसमें एलियन जीन्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ एक जीन इसमें आपका डाला गया है सॉयल बैक्टीरियम बैसिलिस थ्रंजेनिस से लेकर और ये जीन डालने का हमारा मकसद क्या था कि हम कोई ट्रेट चाहते थे वो ट्रेट क्या थी कि ये क्रॉप में प्रोटीन इस तरह की एक प्रोटीन डेवलप हो जो कि पेस्ट पिंक बॉलवाम अगर आपको पता हो कि कॉटन प्लांट्स को बीटी कॉटन आने से पहले जो पिंक बॉलवाम है वो पूरी ये फसल बर्बाद कर देता था लेकिन अब बीटी जीन होने की जो प्रोटीन हमने डेवलप की उसकी वजह से ये जो पेस्ट है ये इसको खराब नहीं कर सकता रेजिस्टेंस इसमें आ चुका है बी टी कॉटन में उसके बाद दूसरा जीन हमने इसको हर टॉलरेंट बनाने के लिए किया एक एडिशनल जीन डाला दूसरे सॉइल बैक्टीरिया बैक्टीरियम से जो कि इसको हर्बिसाइड जो है आपका ग्लाइफोसेट उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड होता है इसी तरह से बीटी ब्रिंजल का जो जीन है जो बीटी ब्रिंजल प्रोड्यूस किया गया है ये प्लांट को जो अटैक करते थे बीटे बीटी ब्रिंजल पे फ्रूट एंड शूट बोरर्स तो अब उसके अटैक से रेजिस्टेंस बीटी ब्रिंजल को मिलता है फिर डीएमएच एम वन वन मस्टर्ड जो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अलाउज क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप दैट सेल्फ पॉलीनेट्स इन नेचर तो मस्टर्ड सेल्फ पॉलिनेट करता है तो यहाँ पे इस मस्टर्ड में क्रॉस पॉलिनेशन भी अलाउ की गई है हो जाती है इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के बाद तो ये सब आप चीज़ें दे सक देख सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या क्या किन किन एग्ज़ाम्पल्स जो आपको यहाँ पे दी गई हैं कैसे कैसे उनको मॉडिफ़ाई किया गया है अब जब कॉन्ट्रोवर्सीज हमारे देश में जी एम क्रॉप्स को लेकर इतनी उठती हैं तो लोग क्यों इसके खिलाफ बोलते हैं आपके एंटी जी एम क्रॉप्स जी एम फूड के खिलाफ ग्रुप्स बन रखे हैं एक्टिविस्ट्स हैं जो चाहते हैं कि जीएम क्रॉप्स को बिल्कुल बैन कर दिया जाए तो वो जानने से पहले हम इंडिया का लीगल पोजीशन जानते हैं ये ज़रूर ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इंडिया में अपेक्स बॉडी जो है जो जीएम क्रॉप्स कमर्शली यानी आप मार्केट में बेच सकते हैं ये कौन अप्रूवल देता है अपेक्स बॉडी है आपकी जीईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 2002 में जी ने कमर्शियल रिलीज जो है बी कॉटन का वो अलाउ किया कि ठीक है जाइए इसको कमर्शियली ग्रो करवाइए मोर देन 95% ऑफ कंट्रीज कॉटन एरिया है सिंस दैन कमांडर बी कॉटन उसके बाद 2002 के बाद 95 परसेंट जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम कॉटन ग्रो करते थे वो अब बीटी कॉटन के अंदर आ गया है यूज़ ऑफ अन अप्रूव जी एम देखिए अगर कोई व्यक्ति जी एम वेरियंट ग्रो करता है और उसका अप्रूवल नहीं दिया है जी ई -E ने गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है तो पाँच साल की जेल हो सकती है और फाइन एक लाख का हो सकता है किस एक्ट के अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नाइनटीन में ये आपका लीगल पोजीशन है इंडिया में जीएम क्रॉप्स को लेके अब यहां पे थोड़ा-थोड़ा एग्जांपल जैसे हम बीटी कॉटन का ले लेते हैं बीटी कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी है ये मैं आपको बता चुकी हूं इसमें बीटी हैं है टॉक्सिन्स आर इंसेक्टिसाइडल जो इंसेक्ट कॉटन uh, को खा जाते थे ये उनको मार देता है जैसे कि बॉल वर्म्स हो गए लार्वा ऑफ मॉथ्स हो गए लेकिन जो बाकी फॉर्म्स हैं लाइफ के लिए उनके लिए बिल्कुल हार्मलेस हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता टारगेट हम यहाँ पर इस, इसको ये जो टॉक्सिंस हैं ये किसको टारगेट करते हैं लार्वा ऑफ मॉथ्स को टू में जो जॉइंट वेंचर था मॉन्सैटो एंड माहको इन्होंने बीटी कॉटन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था तो यहाँ पे साइड पे ही मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि एडवांटेजेस बीटी कॉटन के क्या हैं कॉटन का इफ़ेक्टिव कंट्रोल है जो तीन तरह के बॉल वॉम्स थे आपके जो कॉटन को खरा कॉटन की फसल को खराब करते थे अब ये उनके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है फिर इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कल्टीवेशन में ओके और उसके बाद जो कल्टीवेशन का कॉस्ट है वो भी कम हो गया क्योंकि पहले फार्मर्स को अलग से इंसेक्टिसाइड्स लेके आना होता था और पेस्ट से कॉटन को बचाना होता था तो फार्मर की काफ़ी इनकम उसमें जाती थी तो ये सब एडवांटेजेस हैं लेकिन उसके साथ डेफ़िनेटली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे कि बी कॉटन सीड्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है अगर हम नॉन बीटी कॉटन सीड्स की बात करें और उसके बाद कुछ इस तरह के पेस्ट हैं बॉल वाम को बॉल वाम्स के ख़िलाफ़ तो इसका रेजिस्टेंस शो होता है बीटी कॉटन का लेकिन एक है आपकी वाइट फ्लाई वाइट फ्लाई ने अगर आपने न्यूज़ में देखा हो बहुत ज़्यादा बीटी कॉटन पे पंजाब हरियाणा वाले एरियाज़ में अटैक किया था तो उसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है और जो कॉस्ट है बी साइड की वो भी इंक्रीज़ होती है हर साल तो फार्मर्स को वो भी लगता है कि एमएनसीज़ अपने हिसाब से इसको इसका प्राइस इंक्रीज करती जाती है तो इस तरह का कुछ डिसएडवांटेज भी बीटी कॉटन का अभी तक हमको दिखा है उसके बाद आपका बीटी ब्रिंजल है अब ब्रिंजल वैसे भी पोटैटोज के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है अब बीटी ब्रिंजल को क्रिएट किया गया था इसमें एक क्रिस्टल प्रोटीन जीन डाला था एक सॉइल बैक्टीरिया जो है बेसिलस थ्रिंजिस उसी का आ, और यहाँ पे किसके खिलाफ रेजिस्टेंस मिला था ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर लेकिन इसको फिलहाल होल्ड पे रखा गया है टेम्प्रोरली सस्पेंशन है कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इसको ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में बीटी टी ग्रो किया जाता है और बांग्लादेश ने पूरी इंडिया की टेक्नोलॉजी यूज़ करके वहाँ पर बी टी को कमर्शलाइज कर दिया लेकिन इंडिया में अभी तक कमर्शियल लेवल पर बी टी ग्रो नहीं किया जा रहा बी टी की वायटी जो है ये को जो है उन्होंने डेवलप की थी जीई एमेटी ने कमेटी ने कमर्शियलाइजेशन का 2009 में इसको दे दे दिया गया आ, दे दिया गया था लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया उसके बाद आपकी गोल्डन राइस आ गई ये जो वेराइटी है राइजा सेटाइवा ये राइस का आपका साइंटिफिक नाम है तो गोल्डन राइस हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया जेनेटिक मॉडिफाई करके इसको Uh, इसको क्या डालते थे हम इसमें एक जीन डालते थे बायोसिंथेसाइज करके बीटा कैरोटीन जो कि प्रीकर्सर है जिससे आगे आपका विटामिन ए बनता है एडिबल पार्ट्स ऑफ राइस में तो यहाँ पे मोस्टली उन एरियाज़ के लिए ये ग्रो करवा रहे थे जहाँ पे डाइट में लोगों को विटामिन ए नहीं मिल पाता क्योंकि विटामिन ए के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो वो पूरा करने के लिए हमने सोचा कि हम क्या करेंगे राइस को ही इस तरह से बनाएंगे जिसमें विटामिन ए होगी तो उनको हम गोल्डन राइस कहते हैं तो ये भी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है अब नॉर्मल बेनिफिट्स की बात करें कि क्या बेनिफिट्स हैं जेने जे, क्रॉप्स के ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट इन क्रॉप्स का अच्छा है क्वालिटी क्रॉप्स की अच्छी है मैचूरेशन जल्दी ग्रो हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स इनमें ज़्यादा होते हैं यील्ड इनकी अच्छी है स्ट्रेस टॉलरेट करते हैं चाहे हॉट क्लाइमेट का हो या सॉल्टी कंडीशंस का हो जो भी आप बनाएंगे उसके बाद डिजीज़ के खिलाफ पेस्ट के खिलाफ हर्बिसाइड्स के खिलाफ आपका रेजिस्टेंस इन क्रॉप्स का रहता है तो ये नए प्रोडक्ट्स हम नई टेक्निक्स पे ग्रो करते हैं तो ये सब इनके बेनिफिट्स हैं जीएम क्रॉप्स के आप डिपेंड करता है किस पर्पज से आप ग्रो कर रहे हैं उसके बाद जीएम क्रॉप्स का बेनिफिट इंडिया में जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें एस्टिमेट किया जा रहा है सेवन बिलियन से नाइन बिलियन हो जाएगी राइट right? तो फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको अच्छे से यूज करके हम फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं इंडिया में बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हम जीएम क्रॉप्स के थ्रू दे सकते हैं और फिर फार्मर्स की इनकम का एक मेन किस्सा आता है तो फार्मर इनकम को भी यहाँ से बढ़ सकती है इंप्रूव हो सकती है तो जीएम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमको दिखते हैं अब देखिए नॉर्मन जिनको आपके ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को सपोर्ट किया कहा कि दुनिया से भूख मिठानी है तो ये एक, आ, एक अच्छा तरीका है इट इज़ बेटर टू डाई ईटिंग जी एम फूड इंस्टेड ऑफ़ डाइंग ऑफ हंगर देखिए भूख से भी इतने लोग मर रहे हैं तो जस्ट एक कंपेरिजन है उससे अच्छा कुछ खा के मरेंगे राइट तो नॉबल लॉरेट भी हैं वो उन्होंने जी एम जो क्रॉप्स हैं उनको बहुत सपोर्ट किया और कहा कि फ़ूड सिक्योरिटी का इकलौता ये रीज़न है जिससे हम फूड सिक्योरिटी दुनिया की इम्प्रूव कर सकते हैं तो देखिए नॉर्मल बोरला भी जिस तरह से फूड सिक्योरिटी की या इकोनॉमिक कंसर्न्स की बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो देखिए इनकम फार्मर्स की कैसे इंक्रीज़ होगी क्योंकि जीएम क्रॉप्स की शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा है तो वो जल्दी तबाह नहीं होंगे और उनको फार्मर्स स्टोर भी कर सकते हैं और फिर बेच सकते हैं वरना कई बार तो फार्मर्स के पास आ, उनका आगे बिकता नहीं और पहले ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं राइट तो इस तरह से उनकी इनकम को फ़र्क पड़ता है तो अगर हम फार्मर्स की इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जी एम क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए और ऊपर से इंडिया हम वैसे भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑयल सीड्स वगैरह को लेकर इम्पोर्ट इम्पोर्ट करते हैं बाहर से मंगवाते हैं तो हम इम्पोर्ट्स ख़त्म कर सकते हैं अगर हम जीएम क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको इसके देखने को मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हैं जीएम क्रॉप्स को लेकर ये इश्यूज़ क्या हैं लोग लोगों को सेफ़्टी का इशू है कि क्या इनको खाना सेफ़ है या नहीं है क्योंकि इसमें आप कोई और जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो और अभी तक इतना टाइम नहीं हुआ है जीएम क्रॉप्स को आए हुए लॉन्ग टर्म हेल्थ पे क्या असर होगा ये स्टडीज़ नहीं हुई हैं तो इससे फ़र्क पड़ेगा सेफ़्टी हेल्थ रीजंस जो हैं वो दिए जाते हैं कि ये जीन जब और स्पीशीज़ के अंदर जाएगा ह्यूमंस के अंदर जाएगा कैसे इंटरैक्ट इंटरैक्शन होगी क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सेफ्टी को लेकर इशू है उसके बाद बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी एम वो एक्सेस जो पेटेंट लेके बैठ जाएंगी और फार्मर्स को उसका नुकसान होगा हो सकता है कि वो बोलें कि एक साल में जो आपने सीड्स ख़रीदे हैं वो उसी साल प्लांट करने नेक्स्ट ईयर और लेने हैं कोई भी आ, वो रख सकती हैं अपनी शर्तें तो फार्मर्स को इसका नुकसान होगा क्योंकि ऑलरेडी इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है एथिक्स की भी बात है कि जो नेचर है उसका खुद का राइट है हम उसके साथ इतनी छेड़खानी नहीं कर सकते उसके बाद लेबलिंग कई बार हमको पता ही नहीं है कि ऑथेंटिसिटी क्या है कोई हमको जी फूड या जी क्रॉप करके बेच रहा है हमको क्या इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या तो होना चाहिए कि पता चले क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि जीएम क्रॉप्स को लेबलिंग थी कि जीएम क्रॉप्स है लेकिन बाद में जब चेकिंग हुई तो पता चला वो जीएम क्रॉप्स नहीं है तो इस तरह का ब्लैक मार्केट भी चलने लग जाता है रिसर्च की अभी इस पर बहुत ज़रूरत है इसका इफेक्टिवनेस लॉन्ग टर्म स्टडी करने के लिए उसके बाद बार बार जैसे जीएम क्रॉप्स को बैन कर दिया जाता है अगर फार्मर्स इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं लगा देते हैं उनका पूरा पूरे साल की मेहनत बर्बाद जा सकती है जब तक कि प्रॉपर रेगुलेशंस ना हो। लेकिन जीएम फूड ऑलरेडी अगर आप देखें हमारे फूड चेन में आ चुका है बहुत सारे ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से जो इंडिया में आता है शायद वो जीएम एम क्रॉप्स से डिराइव किया गया हो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो आपका जीएम क्रॉप्स है या इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड चेन में एंटर कर चुके हैं तो जब तक गवर्नमेंट और एक्टिविस्ट के बीच में ये टसल जो है वो चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं बहुत बार देखा गया है इल्लीगल कल्टीवेशन कल्टिवेशन जो है जी एम क्रॉप्स की वो हो रही है जैसे ब्रिंजल की देखी गई हरियाणा में लोग इल्लीगली ग्रो कर रहे थे तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो जी एम क्रॉप्स को हमेशा सराउंड करके रखते हैं फिर कुछ थ्रेट्स इस तरह की आती हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत खतरा है कि हमने एक प्लांट ग्रो कर दिया जो कि जीएम क्रॉप है अब नेचर में क्रॉस पॉलिनेशन तो हो रही है अब यहाँ से पॉलिनेट होके जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी हमको नहीं पता है कि बाकी बायोडाइवर्सिटी पे उसका क्या असर पड़ेगा राइट right? तो ये भी प्रॉब्लम है या जिस तरह से हमने बीटी कॉटन में जो है बीटी जीन्स डाले जो कि टॉक्सेंस हैं पेस्ट्स के लिए टॉक्सिन है ऑल दो वहाँ पर काफ़ी रिसर्च हुई है हमको पता है कि बाकी लाइफ फॉर्म्स जो हैं उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा लेकिन जब हम इसको ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लग जाएंगे और क्रॉप्स भी लेके आएंगे उनमें भी अगर टॉक्सिनस होंगे तो और कोई एनिमल या प्लांट उनको खाएगा तो हो सकता है उसकी हेल्थ पे असर पड़े या वो मर जाए कुछ भी हो सकता है तो अभी तक उतनी स्टडी जो है वो नहीं की गई है या क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से आपकी सुपर वीड्स बनने लग जाएं जो कि ह्यूमन या मैनुअली हम उनको कंट्रोल ना कर पाए राइट right? तो इस वजह से आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एलिमिनेट हो सकते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को भी इससे खतरा है जो लोग जीएम जो फूड है उनके अगेंस्ट बोलते हैं वो इस तरह के तर्क देते हैं जैसे कि बीटी टी के लिए कहा कि ह्यूमन हेल्थ को उससे रिस्क है क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ह्यूमंस में प्रोड्यूस कर सकता है तो अगर हम कभी कोई मेडिसिन लेंगे बीटी टी खाने के बाद कोई एंटीबायोटिक लेंगे तो शायद उसका असर हम पे ना हो राइट right? और फूड सप्लाई पे भी ये क्लेम किया जाता है पेटेंट वाला जो मैंने आपको इश्यू कहा कि कुछ कंपनीज की मोनोपोली हो जाएगी तो यहाँ देखते हैं 2002 से में हुए, के 2006 में जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने केस फाइल कर दिया पी आई एल जीएम क्रॉप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया लगा दिया गया 2010 में इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जयरा मनेश हैं रमेश जो हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि बीटी टी जो है उसको आगे नहीं रिलीज किया जाएगा जब तक नया नोटिस नहीं आता क्योंकि साइंटिस्ट और जो ऑपोजिट पार्टीज हैं जो जीएम क्रॉप्स के अगेंस्ट हैं उनके खिलाफ किसी तरह का कंसेंसस नहीं हो रहा 2012 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एग्रीकल्चर ऑन एग्रीकल्चर जो बिठाई गई थी उसकी थर्टी सेवंथ रिपोर्ट में कहा कि सारे जीएम फील्ड ट्रायल जितने भी फील्ड ट्रायल्स चल रहे हैं देश में उनको बंद कर दिया जाए 2013 जुलाई में जो नए क्रॉप के ट्रायल हैं उन उनपे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा क्योंकि टू में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसा कह दिया गया था और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट पैनल जो है वो बिठाया उन्होंने रिकमेंड किया दस साल के लिए अभी इस पर बात ना की जाए जब तक हमारे पास अच्छे से रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स मॉनिटरिंग सिस्टम्स नहीं आ जाते ठीक है तो टेम्परली जो जी एम क्रॉप्स के ट्रायल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया थर्टीन में इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो थे नटराजन उन्होंने होल्ड कर दिया जितने भी ट्रायल्स थे फॉलोइंग एस सी पैनल सजेशन्स तो इस तरह का ये टाइमलाइन आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि किस समय किसने सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ने क्या कहा तो देर आर मैन गैस ट्वेंटी जी एम क्रॉप ऑलरेडी जो ट्रायल्स में जा रहे हैं आपका मस्टर्ड है ब्रिंजल है जिसको कई बार जैसे मस्टर्ड है उसको जीए ने अप्रूव कर दिया लेकिन गवर्नमेंट ने होल्ड होल्ड पर रख दिया ठीक है जी ए सी गेव ग्रीन सिग्नल टू जी एम मस्टर्ड फॉर फील्ड ट्रायल बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसका और स्टे ऑर्डर उस पर आ गया क्योंकि पब्लिक ओपिनियन लोगों को चाहिए थी कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी उसके प्रोज भी होंगे कॉन्स भी होंगे अब जो एंटी जीएम क्रॉप्स लॉबी है वो कहती है इसको बिल्कुल बैन कर दीजिए तो क्या बिल्कुल बैन करना सही है नहीं हमको प्रॉपर स्टडी हमको ठीक है टेम्प्ररली सस्पेंड कर देना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जब तक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेज़म्स नहीं आ जाते मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं आ जाता तो हमको इसको नहीं लाना चाहिए वो ठीक है लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए रिसर्च को बूस्ट किया जाए ताकि जीएम क्रॉप्स पे और ज़्यादा स्टडी हो और हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकें तो डेफिनेटली क्या करना चाहिए रिसर्च इम्प्रूव कीजिए कि पता चले जो भी कंसर्न्स हैं लोगों को डर लग रहा है बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है तो आप प्रूव कीजिए अपनी स्टडी से कि ऐसा नहीं है राइट right? तो रिसर्च को इम्प्रूव करना पड़ेगा एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए क्योंकि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को हम रिस्क में नहीं डाल सकते पार्टिसिपेटरी अप्रोच चाहिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट हो गई साइंटिस्ट हो गए पब्लिक ओपिनियन चाहिए या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका प्रॉपर उनको पार्टिसिपेट इस चीज़ में कराना चाहिए फार्मर्स का क्या इंटरेस्ट है नई टेक्नोलॉजी को लेकर फार्मिंग सेक्टर में वो भी हमको देखना चाहिए कि फार्मर्स के रा इंटरेस्ट और कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं तो सारे स्टेक होल्डर्स आपके तभी कन्विंस होंगे जब आपके इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं वो इसको लेकर मानेंगे कंज्यूमर्स आपके इससे इन्फ्लुएंस होंगे क्योंकि अल्टीमेटली बात आपकी यहाँ पे फूड सिक्योरिटी कंसर्नस को लेकर भी है उसके बाद ई आई ए जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो इन्वायरमेंट पे क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोलॉजी पे हेल्थ पे इस पर रिसर्च होनी चाहिए और उसके बाद जो अन अप्रूव्ड वेराइटी है जी एम सीड्स की वो मार्केट्स में नहीं आनी चाहिए जैसे मैंने आपको कहा कि पहले क्या होता था बी टी कॉटन सीड्स में भी ऐसा देखा गया कि जो अप्रूव्ड क्वालिटी है उसको छोड़ के बहुत ज़्यादा अनअप्रूव्ड वैरायटी भी मार्केट में थी जो कि सही बात नहीं है तो ये इल्लीगल कल्टीवेशन तभी आपकी रुक पाएगी जी सीड्स की, की यहाँ पे जेनेटिक जो अप्रेजल कमेटी हैं उनको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कैसे स्टेप्स मॉनिटरिंग स्टेप्स लेने पड़ेंगे रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे रूल्स बनाने पड़ेंगे और पेनल्टी जो है वो भी रखनी पड़ेगी और उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन ड्राइव रहे कि कहीं कोई इलीगल कल्टिवेशन नहीं कर रहा थ्रेट्स जो हैं जी क्रॉप कल्टिवेशन को लेकर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उसके बाद जो भी लोग इलीगल सप्लाई में इन्वॉल्व हैं उनके उनको सजा मिलनी चाहिए और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को तब तक के लिए जब तक ये सब चीज़ें ठीक होती इसको हमें आ, बूस्ट करना चाहिए इनक्रेज करना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिटेल में बनाएंगे द गवर्नमेंट शुड गो फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ जीएम सीड्स ओनली आफ्टर द कोर एंड डीप रिसर्च तो डेफिनेटली यही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ बिल्कुल बैन लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें कोर और डीप रिसर्च की ज़रूरत है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के नंबर वन एक्सपोर्टर्स बन गए लेकिन डेफिनेटली उनकी फूड सिक्योरिटी की जो इशू है वो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है तो हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच जी एम क्रॉप्स को लेकर चलना पड़ेगा तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है जी एम क्रॉप्स क्या होते हैं क्या कॉन्ट्रोवर्सिस हैं क्या बेनिफिट्स हैं और हमको एक बैलेंस्ड आंसर देना चाहिए कि ऐसा भी नहीं है कि हम इसके अगेंस्ट हो जाएं या बिल्कुल इसके फेवर में हो जाएं लेकिन ये टेक्नोलॉजी देखिए हर टेक्नोलॉजी साइंस जो है वो आपको हमेशा हर तरह के बेनिफिट नहीं देती लेकिन उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि ज़्यादा फायदे हैं या ज़्यादा नुकसान है बट इस केस में डेफिनेटली हमको कोर और डीप रिसर्च की ज़रूरत है तो पी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा थैंक यू सो मच